कांच एक कमाल की चीज है जिसका इस्तेमाल इंसान कई तरीकों से करता आया है और यही कांच आजकल इंसानों और जंगली जानवरों के बीच की दीवार भी बन रहा है। यूं तो कांच की ये दीवार बहुत मोटी और मजबूत मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे वीडियो रिकॉर्ड किए गए जिनमें गुस्साए जंगली जानवर इस दीवार की मजबूती पर सवालिया निशान लगाते देखे जा सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही वीडियो दिखाने वाले हैं। पोलर बेयर अटैक। ग्लास पैनल्स तब और भी ज्यादा शानदार लगते हैं जब आप पानी के नीचे रहने वाले जीवों को देखना चाहते हो, क्योंकि पानी में रहने वाले जीवों को आप स्टील की सलाखों के पीछे से नहीं देख सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कांच के पीछे खड़े होकर सुरक्षित हो, खासकर तब जब एक पोलर बेयर आप पर अटैक करना चाहता हो, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी भालुओं की प्रजाति वाला जीव कहा जाता है। इस वीडियो को एक बेसमेंट लेवल व्यूइंग गैलरी में रिकॉर्ड किया गया, जिसमें दो शख्स पानी में तैरते एक पोलर बेयर को देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने देखा कि पोलर बेयर इंसानों से कहीं ज्यादा तेजी से तैर सकते हैं और इंसानों की तरह दिमाग भी लगा सकते हैं। इस पोलर बेयर को शायद इन दोनों इंसानों की शक्ल पसंद नहीं आई, इसीलिए वो पानी के ऊपर गया और एक बड़ा सा पत्थर कांच की तरफ फेंक दिया। अपनी पहली कोशिश में वो नाकामयाब रहा, लेकिन जब दूसरी बार उसने पत्थर डाला तो कांच में क्रैक पड़ गया। जिसे देखकर इन दोनों इंसानों ने यहां से खिसक लेने में भलाई समझी। वैसे ये ग्लास इतना भी नहीं टूटा कि इसके अंदर से पानी बहने लगे, लेकिन यकीनन अगर पोलर बेयर उसी जगह एक बार और पत्थर मार देता तो उसे यहां से फरार होने से कोई नहीं रोक सकता था। गोरिल्ला का गुस्सा। भले ही आप सोचते हो कि आपके और एक पावरफुल गोरिल्ला के बीच बना प्रोटेक्टिव बैरियर आपको सुरक्षित रख सकता है, लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि गोरिल्ला एक बेहद ताकतवर जानवर है, और जब ये जानवर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है ना, तो कांच फटे या ना फटे पर आपकी जरूर फट सकती है। यहाँ एक छोटी सी बच्ची चिड़ियाघर में कैद गोरिल्ला के मजे लेती देखी जा सकती है। वो इंसान होकर भी गोरिल्ला जैसी हरकतें कर रही थी। उसकी ये हरकतें भले ही आपको प्यारी लगे, लेकिन ये जरूरी नहीं एक चिड़ियाघर में कैद गोरिल्ला भी ऐसा ही सोचता हो। यहाँ यकीनन इस बच्ची की हरकतें गोरिल्ला को पसंद नहीं आई, इसीलिए गोरिल्ला ने उछल कर ऐसी लात दे मारी कि घुंघरू टूट गए, कांच टूट गया। गनीमत रही कि इसके बाद गोरिल्ला का गुस्सा शांत हो गया और यहां से उसने भागने की कोशिश नहीं की। शार्क अटैक। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि इंसान एक लोहे के पिंजरे में बैठकर समुद्र में उतरते हैं ताकि वो खतरनाक शार्क्स को करीब से देख सके, लेकिन इस शौक को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कुछ लोग कांच के पिंजरे का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उन्हें 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है। कांच के ये पिंजरे भी लोहे के पिंजरे जितने ही मजबूत माने जाते हैं, पर जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हादसा किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। कांच के पिंजरे में खुद को कैद करने के बाद जैसे ही ये डाइवर पानी में उतरा तो उसने खुद को खतरनाक शार्क से घिरा पाया, जिन्होंने जैसे तैसे इस पिंजरे का दरवाजा खोज निकाला और दरवाजे पर अटैक करने लगी, जिससे दरवाजा खुल गया और यहाँ डाइवर को इसे बंद करके रखने में काफी मेहनत करनी पड़ी। इस अटैक के दौरान एक बार तो एक शार्क अपना मुंह तक दरवाजे में डाल देती है, लेकिन फिर कुछ देर तक डाइवर के मजे लेने के बाद ये शार्क्स यहाँ से चली जाती है और डाइवर की जान बच जाती है। बंदर की चालाकी। अभी तक आपने देखा कि दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर जानवरों को जू में लगे मजबूत ग्लास को तोड़ने में अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन एक बंदर ने साबित कर दिया कि इस मजबूत ग्लास को तोड़ने के लिए ताकत की नहीं बल्कि दिमाग की जरूरत है। यहाँ इस वीडियो में एक बंदर चिड़ियाघर में लगे ग्लास को तोड़ने के लिए एक नुकीला पत्थर उठाता हुआ दिखाई देता है। पहली नजर में देखने वाले को बंदर की इस मासूम सी कोशिश पर हंसी आती है,
पर फिर वो देखते हैं कि बंदर इस नुकीले पत्थर को 2-3 बार ही ग्लास पर मारता है और ग्लास पूरी तरह से बिखर जाता है। यहाँ देखने वालों के साथ साथ ये बंदर भी कांच को इतनी आसानी से टूटता देख चौंक गया। अच्छी बात ये रही कि इस जू से कोई भी जानवर भागा नहीं और बाद में यहाँ इससे भी ज्यादा मोटा ग्लास लगा दिया गया।